थर्ड ईयर आज तुम लोगों को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जुलॉजी पेपर थर्ड जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी और उसमें सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज़ बायोट टेक्नोलॉजी वाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी ना no. हाँ अब देखो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं ना no. टर्म बायो टेक्नोलॉजी बाय हंगेरियन इंजीनियर हैं ये इनका नाम है कार्ल इरेकी ई e आर ई -E के वाई इरेकी इन 1917 1917 में कार्ल इरेकी ने क्वाइंट किया टर्म जो नेम है बायोटेक्नोलॉजी ठीक है नाउ नाउ ही वाज डिस्क्राइब द प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पीकस इन्होंने जो काम किया है कार्ल इरेक्की ने वो आपका यहाँ लिखे भी हैं हमने ये भी आप देखते जाइए ही डिस्क्राइब्ड ए प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिक्स पीक के लार्ज स्केल के प्रोडक्शन के लिए ये इन्होंने काम किया इसमें तो बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने लार्ज स्केल पे ये इन्होंने पीक का प्रोडक्शन किया है अब आइए टर्म क्या है डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी का ना टेक्निक दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स टू इम्प्रूव प्लांट्स और एनिमल्स इन ब्रैकेट इंक्लूडिंग मैन ब्रैकेट क्लोज और टू डेवलप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर स्पेसिफिक यूजेस ना अब इसको हम ठीक से आपको समझा दे रहे हैं डिटेल से बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक टेक्निक है इसमें यूज़ किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखिए लिखा टेक्निक दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है या और पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या उसके पार्ट्स को लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही पार्ट्स को यूज़ किया जाता है टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाने में या उसको मॉडिफाई करने में टू इम्प्रूव प्लांट्स और इस तरह से प्लांट्स को इम्प्रूव किया जाता है या एनिमल्स को इम्प्रूव किया जाता है इंक्लूडिंग एनिमल्स में आपके मैन भी आएंगे और टू डेवलप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डेवलप किया जाता है इस टेक्निक के थ्रू फॉर स्पेसिफिक यूजेज स्पेसिफ़िक यूज़ेज मीन्स कि स्पेसिफिक मैंने पर्टिकुलर यूज़ में करने के लिए हम लोग या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम लोग इन्हेंस करते हैं उसको डेवलप करते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो यूज़ करते हैं या उसके पार्ट्स को यूज़ करते हैं और इस तरह से हम लोग प्लांट को इम्प्रूव करते हैं और एनिमल्स को भी हम लोग इम्प्रूव करते हैं ये है हमारा बायोटेक्नोलॉजी अब आइए कि सबसे पहला जो हमारा केमिकल्स ये टेक्निक के थ्रू तैयार हुआ है उसका नाम है इथेनॉल सो so, इथेनॉल वाज फर्स्ट केमिकल प्रोड्यूस्ड विद द एड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी <coughs> बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से सबसे फर्स्ट केमिकल जो आपका बना था उसका नाम है इथेनॉल ना इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी यहाँ है नाइनटीन सेवेंटीन में सबसे पहले आपका कार्ल इडी ने इस टर्म को अपॉइंट किया अब आइए उसके बाद नाइन्टीन ट्वेंटी में फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी वॉज इस्टैब्लिस्ड इन यू के यू के में फर्स्ट टाइम जो आपका इस्टेब्लिस किया गया आपका इंस्टीट्यूट उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी कब 1920 में ये इंस्टीट्यूट को वहाँ इस्टेब्लिश किया गया यूके में ठीक ना नेक्स्ट पॉइंट इन 1960 सिक्सटी ओ ई सी डी इसका फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हाँ, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसका नाम है आपका अग्रसेन पीजी कॉलेज उसी तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये वो 1960 में इसको सेटअप किया गया और वॉज सेटअप टू प्रमोट पॉलिसीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजीज़ में जो भी पॉलिसीज़ बने इसके लिए नियम कानून जो बनते हैं उसको प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई 1960 में और शॉर्ट फॉर्म में उसे बोला गया है ओ ई सी डी अब हम लोग सारा कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड जो आ गया अब उसको पहले उसका एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट यहाँ तैयार हुआ फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन बना और आगे बढ़िए नाउ इन 1982 टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इंडिया में देखिए ये तो था आपका यूके के लिए अब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप एन ऑफिशियल एजेंसी एजेंसी का नाम है द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड ये एजेंसी का नाम है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड एन बी टी बी इन ब्रैकेट में लिखा है ठीक है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी

सेटअप uh, किया आपका ये बोर्ड जिसका नाम है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड और ये किसके अंडर में है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका इसके अंडर में ये आपका बोर्ड को सेटअप किया इंडिया में चलिए अब आगे बढ़े ना इन 1986 एटी एन बी टी बी जो यहाँ आपका है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड उसी को और डिटेल कर रहे हैं क्या उसमें क्या चेंजेस हुए हैं 1986 में एन बी टी बी वॉज Department बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ठीक है अब जो ये नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड है उसको चेंज किया गया ठीक है उसके वो अब बाय द डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी हो गया जो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड था वो चेंज हो गया डी D टी डी फॉर डिपार्टमेंट बी फॉर बायो टी फॉर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ़ बायो में उसको चेंज कर दिया गया यानी कि NBTV बी टी वी को डी बी टी में चेंज किया गया कब नाइनटीन एटी सिक्स में इन द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे यहाँ भी था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ ये भी अंडर आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे आप सुनते होंगे कि आपका ये क्या कहते हैं ये जैसे कि कोई मंत्रालय है आपका रेलवे मंत्रालय है या क्या क्या कहते हैं आपका और भी बहुत सारे आपके जो भी दिल्ली में मंत्रालय सब जो हैं तो उसमें से एक मंत्रालय है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसी के अंडर में ये डी आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ठीक है ना आगे बढ़ ये तो सारा हो गया कि कौन कौन सा एजेंसी कौन से बोर्ड हमारे इंडिया में और बाहर बने बायोटेक्नोलॉजी के कंसर्न में अब आइए ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार जो आपका विश्व युद्ध हुआ फर्स्ट उस टाइम में आपका इसका टेक्निक का क्या यूज़ किया गया उसके बारे में थोड़ा सा नाउ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस फर्मेंटेशन प्रोसेस वेयर डेवलप्ड विच प्रोड्यूस्ड द एसीटोन फ्रॉम स्टार्च एंड पेंट सॉल्वेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल के जो इंडस्ट्रीज थे हैं उसमें आपका स्टार्च एंड पेन सॉल्वेंट को लेके इससे प्रोड्यूस किया गया बनाया गया एसीटोन और एसीटोन को फर, कैसे बनाया गया बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन किस समय में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय में फर्मेंटेशन के प्रोसेस से डेवलप किया गया आपका ये केमिकल एसीटोन को और इसके लिए स्टार्च लिया गया रॉ मटेरियल जो है वो लिया गया स्टार्च एंड पेंट सॉल्वेंट को लिया गया और उसे फर्मेंट किया गया अब देखिए यहाँ जो फॉर्मेंटेशन वर्ड आया इट मीन्स कि फॉर्मेंटेशन में आप जैसे मिल्क से आप कर्ड बनाते हैं तो वहाँ पे भी फॉर्मेंटेशन होता है तो उसमें आप बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं जो हमने पहले इससे पहले आपको बताया इस यहाँ पर इसके डेफिनेशन में कि टेक्निक दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज तो यहाँ पे भी आप देखिए कि लिविंग ऑर्गेनिज को यूज़ किया गया यानी कि फर्मेंटेशन किया गया और करके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में भी तो टेक्निक जो हमारा है ये बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत पुराना है उस समय लेकिन उस समय में वर्ड नहीं आया था ये लेकिन अभी देखिए पुराने समय में भी आपका ये फर्मेंटेशन करके एक एसीटोन को आपका केमिकल प्रोड्यूस किया गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में ना ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड द एंटीबायोटिक पेंसिलीन वॉज डेवलप डिस्कवर्ड यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में इस समय में आपका एंटीबायोटिक जो आपके बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ वर्ड यूज़ करते हैं कि तो वो एंटीबायोटिक जो आपके ड्रग है पेंसिलिन इसका डिस्कवर्ड कब किया गया है किया गया था यह किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में आपका इसको डिस्कवर्ड किया गया तो उस समय में पेंसिलीन आपका यूज़ किया गया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में ना इसके डिस्कवर्ड से अब क्या फ़ायदे क्या क्या हुए कि आपका कि आपका इस केमिकल के बनने से इस ड्रग के बनने से बायोटेक्नोलॉजी का जो फोकस है वो चला गया आपका टुवर्ड्स द फार्मास्यूटिकल्स की ओर फार्मास्यूटिकल्स किसे का, किसको कहते हैं दवा की दवा सब जो बनती हैं जो दवा की कंपनियां सब हैं वहाँ पे जो भी दवा बन रही है तो उसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल्स तो आपका बायोटेक्नोलॉजी जो फोकस टूवर्ड्स फार्मास्यूटिकल्स ठीक है तो इस ओर की इस तरह से बहुत सारे एक दवा का जब एंटीबायोटिक पेंसिलिन का डिस्कवर्ड हो गया उसके बाद इस तरह से माइक्रोआर्गेनिज को यूज़ करके टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारी दवाइयाँ बनने लगी तो फार्मास्यूटिकल्स की तर की ओर आपका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपका हुआ तो ये हमारा एक बायोटेक्नोलॉजी का ही ये आपके एप्लीकेशंस हो जाएंगे और आगे बढ़िए नौ ड्यूरिंग गल्फ वॉर कब 1991 में जो खाड़ी का युद्ध कहते हैं उस टाइम में ड्यूरिंग गल्फ वॉर द वर्क ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज डोमिनेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज में जो काम है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट था मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल वारफेयर एंटीबायोटिक्स एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज के पे बहुत ज़्यादा उस समय में काम किया जा रहा था गल्फ वॉर के टाइम में किस लिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल वारफेयर बायोलॉजिकल वारफेयर कहेंगे कि आपका जैसे हो गया टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गए आपके या इंसेक्ट्स हो गए पेस्ट में जो भी बायोलॉजिकल इंसेक्ट हैं पेस्ट हैं इन सब का यूज़ किया गया उस समय वारफेयर में तरक्की की तरह यूज़ किया गया एंटीबायोटिक की तरह माइक्रो ऑर्गेनिज को यूज़ किया गया बहुत सारे इस तरह से दवा बनाई गई और बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस ये फर्मेंटेशन करके भी बहुत सारी चीज़ों को वाइन ये विनेगर ये सब सारे चीज़ें बनती चली गई इस तरह से तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग का एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में क्या क्या डेवलप किया गया वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में क्या क्या डेवलप किया गया उसके गल्फ वॉर के टाइम में क्या क्या डेवलप किया गया और तो ये सारी चीज़ें इसका एक अबाउट द बायो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड आपका ये सामने आ गया इस तरह से हमारा प्रोसीड कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को कि आगे कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रहा है उसके टेक्निक को कैसे कैसे यूज़ किया गया है अब आइए आगे, आगे ना डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अब बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है देखिए डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन बी स्टडीड कंसिडरिंग इट्स ग्रोथ दैट अकर्ड इन टू फेजेस बायोटेक्नोलॉजी का ग्रोथ आगे कैसे कैसे ये बढ़ रहा है इसको हम लोग पढ़ सकते हैं और इसके ग्रोथ को पढ़ सकते हैं टू फेजेस में क्योंकि बहुत शुरू से ही बायोटेक्नोलॉजी आ चुका है लेकिन उस समय हम लोग इसको नाम नहीं दिए थे तो अब देखिए नाम क्या दिया जा रहा है जिस समय नाम नहीं दिया गया तो सबसे पहला जो फेज़ है बायोटेक्नोलॉजी को उसे कहा गया है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल जो बहुत हमारे एंसेस्टर लोग जो यूज़ किए हैं इसको तो इस उस समय के बायोटेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल कहा गया है यानी कि बायो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी इज़ रियली द किचन टेक्नोलॉजी किचन टेक्नोलॉजी वर्ड क्यों नाम दिया गया क्योंकि देखिए आप जानते हैं महाभारत के समय में भी आपका दूध से मक्खन निकाला गया निकाला जाता था कृष्ण भगवान का आपने पढ़ा होगा सुना है देखा है टीवी में कि माखन चोर इस तरह से का है तो माखन कहाँ से निकल रहा है माखन निकल रहा है आपको दूध से दूध से मलाई बना तो यहाँ जो दूध से मलाई बनना दूध से दही का बनना दूध से मक्खन का निकलना ये भी एक टेक्निक है जिस एक कि नेचुरल चीज़ें आपका क्या है दूध है जो आपको एनिमल से मिल रहा है लेकिन उसमें कुछ टेक्निक को हम लोग अप्लाई करते हैं और उस अप्लाई करने के बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर देते हैं जैसे हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज को यूज़ करके हम लोग उसको दूध को दही में चेंज कर दिए दूध को फिर हम लोग पनीर में चेंज कर दिए दूध को हम लोग मक्खन में चेंज किए बहुत दिन तक मलाई ऊपर का निकालते गए उसमें एक टेक्निक यूज़ किया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं इस तरह से ऐसे ऐसे करके चलाते हैं चर्निंग से और उसके बाद हम लोग उससे घी निकाल लिए तो ये घी निकालना मलाई निकालना या दही बना लेना ये आज का सब्जेक्ट नहीं है ये बहुत पुराना है सदियों से ये होता चला आ रहा है तो इसीलिए नाम दिया गया है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और उसे किचन टेक्नोलॉजी के की पहले किचन में इस तरह से टेक्निक को यूज़ करके लेकिन उस समय उसको बायो टेक्नोलॉजी वर्ड नहीं दिया गया लेकिन वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिम्स को यूज़ किया गया है सो इज बायो ट्रेडिशनल बायो टेक्नोलॉजी इज रियली द किचन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय आवर एंडसिसटर्स देख रहे हैं आवर एंडसिसटर्स यूजिंग द फॉर्मेंटिंग बैक्टीरिया फर्मेंटिंग बैक्टीरिया को यूज़ करके डेवलप किया गया ये किचन टेक्नोलॉजी का फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ कर्ड घी वाइन बियर विनेगर दही का बनना घी का बनना वाइन बियर का बनना विनेगर सिरका का बनना इन सब ची ये सारी चीज़ें बहुत पहले से बनती चली आ रही हैं तो इन सब चीज़ों में भी टेक्निक का यूज़ किया गया फॉर्मेंटिंग, बैक्टीरिया का यूज़ किया गया और उस इसीलिए इसे किचन टेक्नोलॉजी के अंडर इसे हम लोग देख रहे हैं तो इसीलिए कहा गया है हेडिंग जो है हमारा कि डेवलपमेंट ऑफ बायो ठीक है चलो आगे देखो दूसरा फेज जो ये तो ट्रेडिशनल हो गया पुराना वाला और नया पे अब आ जाओ कि नया में अब क्या हुआ ना नए वाले का नाम हो गया न्यू और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ठीक है न्यू और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी नाउ द मेजर फीचर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज कैपेबिलिटी ऑफ साइंस टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का मेन फोकस है आपका मेन इसका टारगेट है इस टेक्नोलॉजी का कि इस टेक्नोलॉजी का मेन कैपेबिलिटी है कि टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल को ही चेंज करना जो जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा डीएनए ठीक है डीएनए डीएनए जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है इस तरह से आपका एक हेलिक्स बना हुआ है सपोज करिए कि ये आपका ये हेलिक्स आप डीएनए पढ़ चुके हैं इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहता है कि इसके जेनेटिक मटेरियल में सारा आप लोग इसमें जानते हैं कि यहाँ पे आपके नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं सारे पे बीच में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से आपके हैं आपके दोनों साइड में एडिनिन गोवानिन साइटोसिन थाइमिन इस तरह के सारे लगे हुए अब इसमें चेंजेस अगर ला रहे हैं तो उसे हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। सो द मॉडर्न टेक्नोलॉजी द मेजर फीचर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज़ कैपेबिलिटी ऑफ साइंस टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल्स फॉर किस लिए चेंज कर रहे हैं फॉर Getting new products for specific requirement through recombinant DNA technology. Science जो है आपकी capability to change the genetic material क्यों for getting new products? कि आपका जैसे ये एक है आपका पुराना DNA है, अब इसको हमलोग change कर दें, ठीक है? चेंज करके एक नया हम लोग बनाए सपोज़ करिए यहाँ पे है एडीनिन ये है थाइमिन अब हमें यहाँ से इसे हटाना है सपोज करिए सी जी अब यहाँ से यहाँ तक को हमें हटा देना है ऊपर वाले से इसको ऐड कर देना है इतने को अगर हमें हटाना है तो एक दूसरा हमारा तैयार हो जाएगा इस तरह से जिसमें कि जैसे अब यहाँ पूरा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा जी सी स... ए टी ए है सपोज करिए अब हमें इतना को हटाना है इतने यानि ये फोर जो नाइट्रोजन बेस है इतने तक के हटा के हमें इसे ऊपर वाले से ऐड करना है ऊपर में भी जी सॉरी सी जी है सपोज करो तो यहाँ पे सी जी अब इतना को कट करके हम लोग एक नया प्रोडक्ट बना दिए जी सी ए टी तो ये इतना आपका डिडक्ट हो गया कट हो गया और ये दोनों जो है इसके साथ टाइप हो गया एक न्यू प्रोडक्ट हमारा बन गया डीएनए ये न्यू डीएनए हो गया न्यू डीएनए तो इसी को यहाँ पे कहा गया है फॉर गेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट हमें इसकी ये वाले की ज़रूरत है तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए हमने उसे उसमें चेंज किया जेनेटिक मटेरियल में थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो इस ये ये इन ये जो हमारा पुराना वाला था इससे जब हमने न्यू डीएनए का आ, को तैयार किया तो यहाँ पे जो हमने टेक्निक अप्लाई किया इसको कट करना और फिर इसे ऐड करना तो ऐड करना मीन्स कि इसे फिर लाइगेट जोड़ देना जैसे कैंची उससे हम इसे कट कर दें और इसे फिर इसके साथ स्टिच कर दें तो एक न्यू तो ये जो मेथड है इसे ही अब कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझे तो ये चलो ठीक है नौ अब यहां तक आप समझ गए हैं नौ नाउ रिपीट द फिर से रिपीट द बायोटेक्नोलॉजी, फिर से आपको हम एक बार फिर से रिवाइज करवा रहे हैं नाउ टर्म बायोटेक्नोलॉजी क्वाइंड बाय हंगेरियन इंजीनियर नाम है कार्ल इरेकी इन 1917 और इन्होंने पिग पे काम किया पिग का लार्ज प्रोडक्शन अब हम यहाँ तक आपको बता चुके हैं तो देखिए अब फिर से अब ये बातों को आप फिर से रिवाइज करेंगे तो अब सारी बात और क्लियर हो जाएगी आपकी कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा के प्रोडक्शन के लिए इस टेक्निक को अप्लाई किया कि यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा है कि प्लांट को इम्प्रूव करने में एनिमल को इम्प्रूव करने में या हमें बहुत ज़्यादा जैसे आप देखिए एक एग्जांपल आपको अभी जनरल बताएं कि आप जानते हैं कि काव है और तो दूसरा जो है आपका जैसे कि आपका एग्ज़ाम्पल दे रहे थे काव का तो एक तो देसी काव जो होती है वो आपकी कम मिल्क देती है और दूसरी जो आपकी हाइब्रिड वाली है जर्सी वो आपको ज़्यादा मिल्क देती है तो ये जो जर्सी है ये आपका बायोटेक्नोलॉजी इसी की देन है या जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही देन है कि आपका ये एप्लीकेशन है कि हम लोगों को ये जर्सी काव जो मिला है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो तो इस तो यहाँ पे भी वही बातें आई कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन ऑफ पीक के लिए टेक्निक का ये यूज़ किया गया तो यहाँ पर है आपका डेफिनेशन में टेक्निक्स दैट यूजेज लिविंग ऑर्गेनिज और पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिम्स टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स टू इम्प्रूव प्लांट और एनिमल अब यहाँ एनिमल को हम लोग को इम्प्रूव करने के लिए उसके जीन में चेंज लाने ला के उसके उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ाएं इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं इस टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग की मैन में भी और माइक्रो ऑर्गेनिज को यूज़ किया जाता है उसको डेवलप करके किसके लिए फॉर स्पेसिफिक यूज़ के लिए और ये सब तो आपका हिस्ट्री हो गया कि इथेनॉल का आपका पहला केमिकल हो गया इंस्टीट्यूट सबसे पहले आपका फर्स्ट इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश इन यूके 1920 ट्वेंटी एंड नेक्स्ट नाइनटीन सिक्सटी ओ ई सी डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट वाज सेटअप टू प्रमोट पॉलिसीज कि कोई भी टेक आपका वा आपका इंस्टीट्यूट या कुछ भी आपका जब बनता है तो उसके लिए उसकी पॉलिसी नियम कानून बनते हैं तो वही है कि ये पॉलिसीज़ बायोटेक्नोलॉजी के पॉलिसीज़ को डेवलप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या सेटअप किया गया और ये ये नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया ना 1982 में इन्होंने अपना एक बोर्ड सेटअप किया है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड जो आगे चल के नाइनटीन में वो चेंज होके आपका डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी आ गया और वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी आ गया ठीक है अब इसके अंदर जो भी रू, रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे वो उसी के अंडर काम करेंगे ना यहाँ है आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में हमने बता दिया ये कि फर्मेंटेशन प्रोसेस को के थ्रू हमारा एसीटोन को बनाया गया है और इसमें जो रॉ मटेरियल को यूज़ किया गया दैट इज़ स्टार्च एंड पेंट सॉल्वेंट ठीक नाउ इन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड एंटीबायोटिक पेंसिलिन एंटीबायोटिक है ये पेंसिलिन एक दवा है जिसको जो डिस्कवर्ड किया गया नौ ड्यूरिंग गल्फ वॉर गल्फ वॉर आपका 1991 में हुआ है उस टाइम में माइक्रो ऑर्गेनिज को यूज़ किया गया एज ए बायोलॉजिकल वारफेयर एंटीबायोटिक्स एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस में इन सब में इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया गया तो मेन पर्पस है आपका टेक्निक में बायो बायो इसीलिए नाम है बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्निक मींस कि आपका एक टेक्निक को आप यूज़ करके आप बायो को यूज़ कर रहे हैं बायो में आइदर प्लांट को यूज़ करिए या एनिमल को यूज़ करिए प्लांट या एनिमल को और उसके डीप में जाएंगे तो उसके जीन को यूज़ करना है जो कि अभी हम लोग लास्ट में यहाँ पे आ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो अब आइए बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कि कैसे कैसे ये प्रोग्रेस किया है हम लोग का पूरे पुराने हिस्ट्री में हम लोग पहुँच गए हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का कैसे कैसे ग्रोथ हो रहा है तो उसी को टू फेज में पुराने वाले को ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और जो नया जब हमारा डीएनए डबल हेलिक्स का जब इन्वेंशन हो गया 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए का इन्वेंशन किया तब जाके ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आया हमारा उससे पहले ये डीएनए जब तक हम लोग डीएनए को नहीं जानते थे उस टाइम में हमारे एंसिस्टर उस समय भी टेक्निक को यूज़ किए और यूज़ करके ही उन्होंने नहीं तो नेचर केवल दूध ही पीते रहते गाँव काव से केवल दूध आता दूध पीते रहते लेकिन देखो उस टाइम में भी उन लोगों ने कर्ड घी वाइन बियर विनेगर ये सब बहुत सारी चीज़ें उस टाइम में भी उसे बनाया गया यहाँ एसीटोन बनाया गया इस तरह से इथेनॉल बनाया गया तो काफ़ी चीज़ें पहले भी बनी बट ये वर्ड अभी नहीं आया था उस टाइम में ना न्यू और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी द मेजर फीचर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज़ कैपेबिलिटी ऑफ साइंस टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल तो अब नेक्स्ट टाइम तुमको जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा डी एन ए जो अभी यहाँ पे बता रहे हैं तो थोड़ा सा आप डी एन ए को पढ़ के भी रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ाऊँगी तो आपको ये क्या है डीएनए में क्या क्या आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं इनका नाम जानना और इसके डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग इन सब चीज़ों को कि नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं फॉस्फेट शुगर किससे ये ऐड होते हैं पूरा डीएनए का एक रफ आइडिया आपके सामने रहेगा तभी हम लोग उस डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्म करेंगे तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे इसलिए थोड़ा सा आप लोग नेक्स्ट टाइम डीएनए को थोड़ा सा रिवाइज़ करके भी ए, क्लास में बैठिएगा ठीक है तो इस तरह से जो न्यू डीएनए जो हम लोग बनाते हैं तो उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए और उसमें जो टेक्निक को यूज़ किया गया है इसलिए उसे कहा जाएगा रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं चलिए अब आइए ना आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए बाय वाटसन एंड क्रिक जो अभी हमने कहा आपको 1953 में आइए कि जब डीएनए का डिस्कवर्ड हो गया वाटसन एंड क्रिक ने जब इसे डिस्कवर्ड किया उसके बाद क्या हुआ देखिए डब्लू आर्बर ये भी साइंटिस्ट हैं कब 1971 में डीएनए के आने के बाद 1971 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया डिस्कवर्ड ए स्पेशल इंजाइम इन बैक्टीरिया विच ही कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन इंजाइम इन्होंने डिस्कवर्ड किया एक स्पेशल टाइप के इंजाइम को और कहाँ उस इंजाइम को उन्होंने डिस्कवर्ड किया दे बैक्टीरिया में जिसका नाम उन्होंने दिया रेस्ट्रिक्शन इंजाइम ये बैक्टीरिया के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन इंजाइम को उन्होंने देखा इंजा तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी रेस्ट्रिक्शन इंजाइम ठीक है रेस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वो रेस्ट्रिक्टेड तो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम दीज इंजाइम्स इस ये इंजाइम का काम क्या है देखो दीज इंजाइम्स कैन कट द डी एन ए स्टैंड एंड जनरेट फ्रैगमेंट्स यही जो अभी हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि वो रेस्ट्रिक्शन इंजाम जो है वो क्या करेगा वो कट कर देगा यहाँ से सीजर की तरह वो यहाँ से कट कर देगा इसको कट कर देगा यहाँ से कट कर देगा और यहाँ से कट कर देगा और ये एक फ्रेगमेंट को इसे यहाँ से रिलीज कर देगा तो वही है आपका दीज इंजाइम्स कैन कट द डीएनए स्ट्रैंड एंड जनरेट फ्रैगमेंट अगर इतने इतने सारे को कट कर दिया गया तो वो एक अलग टुकड़ा आपका ये तैयार हो गया आपका अलग हो गया अब इसे ही कहा गया फ्रेगमेंट ठीक है नाइनटीन सेवेंटी थ्री अब देखिए सेवेंटी वन में रेस्ट्रिक्शन इंजैम का डिस्कवर्ड हुआ नाइनटीन सेवेंटी थ्री में आपका एस अच्छा नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे तुमको बताएंगे ठीक है कल मेरी फिर नेक्स्ट क्लास होगी